सॉरी सर, देखिए 14 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने एक परिपत्रक जारी किया है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अकोला महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक 2018 ते 2020 या कालावधीत ऐनवेळी पारित केलेले एकूण 139 ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 451A अन्वये निलंबित करणे बाबत ये महाराष्ट्र सरकार ने अकोला महानगर पालिका के बारे में एक ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर के अंदर लास्ट बात ये है कि सदरचे सर्व ठराव हे अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करून पारित केलेले असल्याने व यामुळे महानगरपालिकेचा आर्थिक हितास बाधा पोषक असल्याने प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने सदरचे ठराव नियम बाहे पारित करणारे संबंधित महापौर संबंधित नगर सचिव व तत्कालीन आयुक्त यांच्या विरोधात तत्काळ FIR उन्हें दाखल करण्याची कारवाई आयुक्त अकोला महानगर पालिका यांनी करावी। ये ऑर्डर आया है 14 दिसंबर 2021 को महानगर पालिका के तरफ से। मेरा सवाल ये है कि हमारी महानगर पालिका के अंदर क्या क्या गोरख धंधे चलते थे ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, और एम लेडी का एक ठहराव नाम की एक चीज़ थी महानगर पालिका के अंदर कि जहाँ पर जो काम सामने नहीं लाया जा सकता है उसको महापौर नगर सचिव और जो कॉरपोरेटर उसका ठहराव देता था वो एन वेडी का प्रस्ताव बोल के ये देते थे। मुझे ये बात जब भाजपा के महापौर थे तो जब उनके पीरियड ख़त्म होने वाला रहता है तो तुम भी लाओ ठहराव करोड़ों रुपये के ठहराव जो है वो जनरल बॉडी में नहीं लाए जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी के सामने नहीं लाए जाते थे और वो एन वेडी के ठहराव बोल के पीछे का पीछे ही उसको पास कर दिए जाते थे। फिर उसके बाद शिवसेना का महापौर आया, उनका जब कार्यकाल खत्म होने के लिए आ रहा था तो उन्होंने भी अंधाधुंध तरीके से एनवेडी के प्रस्ताव उन्होंने किए। तो मैंने महानगर पालिका से ये पूरे एनवेडी के प्रस्ताव मंगाया कि कितने ऐसे प्रस्ताव थे। ये प्रस्ताव जो है मैंने जिस पीरियड के लिए मंगाया था एनवेडी के प्रस्ताव वो थे 2017 से एग्जैक्ट डेट अगर बोलूँ मैं आपको तो 16 दिसंबर 2017 से लेके इनकी बॉडी जब तक थी। तो मैंने ये पूरे हतो उसके ठहराव की कॉपी मंगाया कि एनवेडी के ठहराव कितने पास किए गए 2017, 18, 19, 20 के अंदर। तो 220 ऐसे एनवेडी के ठहराव पास किए गए थे। अब ये 220 एनवेडी के ठहराव को मैंने पूरी तरीके से स्टडी किया, पूरा उसके ऊपर से मैंने निकाला कि एनवेडी के ठहराव ये कौन कौन से थे, ऐसी क्या मजबूरी थी महापौर की, ऐसी क्या मजबूरी थी नगर सचिव की कि इसको जनरल बॉडी के अंदर ना लाते हुए, इसके ऊपर डिस्कशन ना करते हुए, इसको लीगल तरीके से जो महानगर पालिका का नियम है वो नियम के तहत ना जाते हुए बंद दरवाजे के अंदर ऐसे कौन कौन से ठहराव पास किए गए हैं। तो मैंने 220 के 220 ठहराव है तो महानगर पालिका से मंगाया और उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया उसके ऊपर। तो मुझे एक बात समझ में आई, ये पूरे धांधलियाँ थे। तो मैंने ये पत्र और पूरे जितने भी ठहराव थे वो ठहराव की कॉपीज पूरे है तो यूडी डिपार्टमेंट को भेजा मैंने। यूडी डिपार्टमेंट के साथ मैंने विभागीय आयुक्त को भेजा, विभागीय आयुक्त ने है तो इसको फॉरवर्ड किया यूडी डिपार्टमेंट को। 8 महीने यूडी डिपार्टमेंट उसके ऊपर खामोश बैठा। फिर मैंने विभागीय आयुक्त को ये बताया कि आप है तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे करके। तो विभागीय आयुक्त ने अपने तौर के ऊपर एक पत्र सरकार को लिखा और उन्होंने सरकार को ये बताया है कि खासदार इम्तियाज अली ये इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, मामला गंभीर है और इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने महानगर पालिका को अपनी जागीर समझे थे वो लोगों के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने 16 नवंबर 2022 को अभी पिछले महीने आयुक्त औरंगाबाद महानगर पालिका को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, श्री इम्तियाज अली माननीय खासदार औरंगाबाद यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाना लिखे गया दिनांक 30/7/2022 रोजीचा पत्राची पत्र कृपया पहावी। या अन्वय औरंगाबाद महानगर पालिका सर्वसाधारण सभेमध्ये गैरकायदेशीर रित्या प्रस्ताव मंजूर केल्याने सभेपुढे विषय नसताना
ठराव झालेले आहे। दिनांक 16/12/2017 सभेनंतरच्या तारखेत तातडीने काम नसताना विषय मंजूर केलेले आहे, याची सखोल चौकशी करण्याबाबत तसेच दोषी पदाधिकारी पीठासीन अधिकारी तत्कालीन महापौर यांच्यावर सदस्य अनहरत ठेवण्याची आणि त्यांना पुढील 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडून येण्यास अनहरत ठरविणे व नगर सचिव संबंधित अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची व कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केलेली आहे। सदर प्रकरणी आपला तातडीने शासनास सादर करावा ही विनंती। अब ये महानगर पालिका के आयुक्त को आया है कि ये लेटर के बेसिस के ऊपर इमीडिएट तो अपना अहवाल दे करके। मैं महानगर पालिका को आपके जरिए आयुक्त को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे महानगर पालिका के अधिकारी भी शामिल है। सवाल ये है कि अब इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। अब इंक्वायरी के लिए मैं कमिश्नर साहब से अनुरोध करूँगा कि ये जुडिशल अगर इसकी इंक्वायरी अगर करवाया, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के पैसों की इसके अंदर लूट हुई है। एन रेडी के प्रस्ताव कौन कौन से लिए जाते हैं ये महानगर पालिका के अंदर क्लियर है। अगर महापौर को नहीं समझता है तो नगर सचिव को बिठाया इसीलिए जाता है, आयुक्त को बिठाया इसीलिए जाता है। इसमें तो कई ऐसे ठहराव है। अब जैसा उदाहरण के तौर के ऊपर मैं जितने भी ऐसे जो ठहराव नियम बाह्य जो एन रेडी के लिए गए हैं उसका मैंने पूरा PDF तैयार किया हूँ। आपके व्हाट्सएप इसके ऊपर मेल के ऊपर है तो वो पूरा PDF आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर समझ लीजिएगा कोई एन वेडी का प्रस्ताव कॉर्पोरेटर ने दिया कि मेरा एन वेडी का प्रस्ताव है तो नियम ये कहता है कि मीटिंग से कम एक दिन पहले वो न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए कि है एन वेडी का प्रस्ताव आलेला आहे आम्ही जनरल बॉडी मध्ये आते ठेवणार आहे करके। मीटिंग खत्म होने के सवा महीने के बाद उसी मीटिंग के अंदर NVD के प्रस्ताव बोल के है तो उसको पास किए गए हैं। अब पास कैसे किए गए हैं अब मैं आपको बताता हूँ। महानगर पालिका का तो सबको मालूम है कि डेवलपमेंट प्लान कैसा चेंज होने वाला था, क्या क्या धंधे होने वाले थे, ये भी NVD के प्रस्ताव के अंदर लिया गया है। जो मैंने आपको इसके अंदर दूंगा तो सीरियल नंबर 8 के अंदर वो है कि डेवलपमेंट प्लान हमारा चेंज करने का जो उनका वो रहेगा वो 2017 से जो टेंडर्स पास किए गए थे, आपको ताजुब होगा कि एक टेंडर जो है वो 25 करोड़ रुपये का, एक करोड़ के तो मैं गिनते ही नहीं हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के टेंडर्स जो है। अब क्या बोल के दिए गए हैं, एडिशनल वर्क, मतलब कहीं काम हो रहा है तो महापौर और नगर सचिव कमरे में बंद हुए और उन्होंने बोले है कि ये एडिशनल वर्क का खराब है और उसके अंदर बाकी है तो उन्होंने अपना ये दाद दिए है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, 1 महीना 6 दिन पहले सीरियल नंबर 21 के ऊपर वो है एडिशनल वर्क के नाम के ऊपर 33 लाख का पास किया गया उसमें। जबकि हकीकत ये है अगर 1 महीना 6 दिन अगर उन्होंने वो ठहराव अपने पास रखे तो महानगर पालिका के नियम के हिसाब से हर महीने की 20 तारीख से पहले जनरल बॉडी मीटिंग होती थी, कंपलसरी है, उसमें 10 लोग रहो 50 रहो ये मायने नहीं रखता है। लेकिन रूल के हिसाब से ये महानगर पालिका अधिनियम के हिसाब से हर महीने होती है तो 1 महीना 6 दिन महापौर अपने पास वो रखते हैं, दूसरी मीटिंग के अंदर भी उसको नहीं लेते हैं, फिर बंद कमरे के अंदर है तो ये ठहराव पास किए जाते हैं। इसमें जो FIR रजिस्टर करने के लिए जो कहा गया है अकोला के उसके अंदर उसका रीज़न क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉस महानगर पालिका को हो रहा है, इररेगुलरिटीज हो रही है या NVD का प्रस्ताव जो पब्लिक कॉज के अंदर नहीं है, किसी नेता को ये दुकान देने का है, ये ज़मीन अलॉट कर देने की है तो वो वैसे है विदाउट टेंडर एडिशनल वर्क सीरियल नंबर 25-26 के ऊपर 40,66,000। उस वक्त एक आरोग्य वैद्य के अधिकारी थी जिसका पॉलिटिकल बड़ा कनेक्शंस था तो वो भी है तो NVD के प्रस्ताव के अंदर। भाई महानगर पालिका का आरोग्य वैद्य के अधिकारी कौन होगा, ये NVD का प्रस्ताव हो सकता है। फिर ये है कि महानगर पालिका का एक गोडाउन रेंट को देना है, सीरियल नंबर 41 के ऊपर आपको मिलेगा, 13/1/2017 को ये प्रस्ताव आया कि गोडाउन रेंट के ऊपर देने का है।
इसका ठहराव कब पास किया गया? 18 फरवरी 2017 को, यानी कि एक महीने से ज्यादा की कालावधि के अंदर, जबकि है तो उसी वक्त जनरल बॉडी मीटिंग हो चुकी थी। वो जनरल बॉडी मीटिंग के बाद है तो बंद कमरे के अंदर ये गोदाउन किसको देने का है करके ये महापौर नगर सचिव ने ये किए थे। हमने पूरा विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है तो दिखा लिया, उसमें कोई ये नहीं है। एक 60 फीट रोड का कोई काम था, सीरियल नंबर 43 का काम, कितने का है आपको पता है? 14 करोड़ 90 लाख रुपए का। ये एनवेडी का ठहराव, एडिशनल वर्क बोल के इसके अंदर 14 करोड़ 90 लाख रुपए। और बाद में जो है इसको है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर ये दाब दिया गया है, जनरल बॉडी के अंदर कहीं पर भी नहीं है। मुजीब भाई को सब पता है कि कैसा चलता है महानगर पालिका के अंदर। आर्किटेक्ट एक मैटर के अंदर अपॉइंट करना था, वो आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट एनवेडी के ठहराव के अंदर, उसका ना बहुत सारे इसके अंदर ना महानगर पालिका के इनवर्ड के अंदर है ठहराव, ना आउटवर्ड के अंदर है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन बंद कमरे के अंदर ये एनवेडी के ठहराव बोल के इसको पास कर लिए गए। तो ये ऐसे बहुत सारे मैटर्स है, 220 के 220 मैंने पूरे निकाला और वो 220 के हिसाब से। अब मेरा ये सवाल है, अगर अकोला के लिए कानून वही है, सेम एग्जैक्ट यही है अकोला के अंदर, FIR उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर, उस वक्त के नगर सचिव और उस वक्त के महापौर के ऊपर, ये अभी अभी आया है, 14 दिसंबर 2021 को ये आया है। अब हमारा ऑर्डर निकला है, अब महानगर पालिका के आयुक्त को ये भी पत्र मैं आपको दूंगा, मैंने जो शिकायत लिखा हूँ वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब आयुक्त इसकी इंक्वायरी किससे करवाएंगे? भाई आपके तो हमाम में पूरे महानगर पालिका के अंदर ऐसा अंधाधुंध कारोबार चल रहा था, तो सिर्फ महापौर या सिर्फ नगर सचिव, ऐसा नहीं हो सकता है, बाकी सबने आग बंद करके बैठे थे, ऐसा नहीं है उसमें। तो मैं आयुक्त साहब से यही अनुरोध करूंगा, अगर ये मैटर की इंक्वायरी जुडिशियल लेवल के ऊपर अगर करते हैं तो ठीक, और इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर अदालत के अंदर पूरे सबूत के साथ जाऊंगा। अब इसमें छेड़छाड़ करने की गुंजाइश इस वजह से नहीं है कि जो ओरिजिनल जितने कॉपीज है वो सर्टिफाइड कॉपीज मैंने पूरे निकाल लिया, 220 के 220 मेरे पास ठहराव की कॉपी है उसमें। एक रोड का काम का कितने करोड़ का है पता है? 25 करोड़ रुपए का। एनवीडी का ठहराव 25 करोड़ रुपए का, भाई जनरल बॉडी के अंदर क्यों नहीं लिया गया? आपको कुछ छुपाना था, आपको कुछ चोरी करना था, इस वजह से आप 25-25 करोड़ रुपए का ठहराव, बाद में आप उसका टेंडर निकाल दिए, डायरेक्ट टेंडर निकाल दिए है आपने। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको किसी ना किसी को, कितने ऐसे जो गाड़े थे जो महानगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गाड़े थे, जो दुकानें थी, वो एनवेडी के ठहराव में, एनवेडी के ठहराव के अंदर महानगर पालिका के मार्केट के दुकाना जो है वो दी गई है, जो कम्युनिटी सेंटर्स है वो एनवेडी के ठहराव के अंदर दिए है, 220 के 220 मेरे पास है। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर तो इंक्वायरी भी करने की जरूरत नहीं है, कमिश्नर ने सिर्फ सीधा देखना ये नियमों का उल्लंघन हुआ है और ये दोनों तीनों को जेल में डालना, इनकी जगह कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। और इसमें मैं चाहूंगा कि भाजपा वाले भी और शिवसेना वाले भी, जो मैं हमेशा कहते आया हूं कि ये शहर को बर्बाद करने के अंदर ये महानगर पालिका की जो टोली थी, जो गैंग थी, वो गैंग नहीं थी, वो गैंगस्टर्स थे पूरे, वो डाकुआ थे जिन्होंने शहर को लूट के खाने का काम किया है। अब अगर इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियां अगर ईमानदार होंगे तो उन्होंने आयुक्त को एक पत्र लिखना और ये मांग करना ये जितने भी ठहराव हुए हैं इसके ऊपर ईमानदारी से तो इसकी इंक्वायरी कराई जाए। शिवसेना के नेताओं के अंदर अगर जरा भी ईमानदारी बची होगी, उनसे गट के है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन तुम इस शहर के है, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, वरना मैं ये समझूंगा कि कुछ हिस्सा तुम लोगों के पास भी गया है। तो मैं अतुल सावे साहब, डॉक्टर भागवत करार साहब, संजय सिरसाठ साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, चंद्रकांत खैरे साहब, ये जितने भी साहब लोग हैं, ये साहब से क्या अनुरोध करूंगा, एक पत्र महानगर पालिका के आयुक्त को दीजिएगा कि एक ऐसा हमारे पास से गवर्नमेंट से एक लेटर आया है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके,
और आप इसकी सखोल चौकसी करें करके उसमें। तो ये मामला मेरे हिसाब से बहुत ही गंभीर है, इसको बहुत ही गंभीरता से सर मुझे तो मतलब अब शक ये इस बात का हो रहा है कि ये जो एन लेडी के जो कई सारे प्रस्ताव है ये एक्चुअल में काम हुए है क्या या सिर्फ इसके बिल उठा लिए गए हैं। भाई अगर किसी एडिशनल वर्क को हम 1,25,00,000 रुपए का कोई काम है ये एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर लाया गया, यानी कि मतलब आपको कुछ चोरी करना था, आपको कुछ छुपाना था, तो ये काम हुए भी या सिर्फ बिल उठा लिए गए हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका ये है कि नहीं इसका तो कुछ भी नहीं बता सकते हम इसके अंदर कुछ भी। भाई गाड़े आपने किराए के ऊपर दिए गए, ये स्टैंडिंग के है, जीबी के भी है, स्टैंडिंग के भी है, तो ना स्टैंडिंग के अंदर लाए गए हैं ये ना जीबी के अंदर लाए गए हैं। इसमें कई सारे कॉर्पोरेटर्स का जो नियम है उसने है तो महापौर को दे डाला कि ये ठहराव लेने का है करके, उसको मीटिंग में रखना या नहीं रखना है करके ये उस कॉर्पोरेटर की और महापौर की साठगांठ कि मैं तुझा करूं दे तो अपन मीटिंग मध्ये ठेवू नाही, अपन बाहेर अपन आपला सेटिंग करू। तर ये अगर निकला अगर बाहर पूरी ईमानदारी के साथ अगर होता है तो मैं तो आयुक्त साहब को पहले ये कहूंगा कि साहब जी जो पैसों का जो मामला है वो पैसों के मामले के अंदर पहले ये काम हुए है क्या, एडिशनल वर्क के नाम के ऊपर अगर ये दिए है। अभी मैं बताता हूँ आयुक्त गणित प्रस्ताव टेंडर मंजूरी रुपये 1.49 कोटी रस्त्याचा कॉन्क्रीटीकरण करने 1,49,00,000 रुपीस का जनरल बॉडी के अंदर नहीं आएगा। आयुक्त गणित प्रस्ताव इस्कॉन संस्थे जागा भाड़ा ने देने, कोई जगह महानगर पालिका की आप दे रहे हैं कि संस्था को दे रहे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन बंद कमरे में कैसा होता है, महानगर पालिका का नियम नहीं अलाउ करता है। अगर इसके ऊपर आयुक्त भी अगर खामोश बैठे हैं तो उस वक्त के जो जो आयुक्त होंगे उनके ऊपर FIR रजिस्टर करने का अगर अकोला के अंदर हुआ है तो औरंगाबाद के अंदर क्यों नहीं हुआ है। ये देखिए ठराव नंबर 139 आयुक्त कडे प्रस्ताव गारखेड़ा येथील मनपा व्यापारी संकुलातील गाड़े भाड़ियाने देने। सर अगर एक 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 उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो मेरे हिसाब से आप 8 दिन तक सीरीज चला सकते हैं, 8 दिन तक सीरीज चला सकते हैं कि ये किसको दिया गया है। कम्युनिटी सेंटर जो है साहब 5,000 रुपए के अंदर कम्युनिटी सेंटर, वो बंदा जो है वो महीने के है तो 5,00,000 रुपए कमा रहा है, तो ये इसके अंदर आप उससे पूछेंगे कि कितने का है करके मैं बता ही नहीं सकता हूँ। साहब एक दुकान जो है आपने महानगर पालिका के रिकॉर्ड के अंदर तो बता दिया हमने उसको है तो 500 रुपए महीने से दे डाले है करके, महापौर साहब ने कितना खाए, नगर सचिव ने कितना खाया, आयुक्त को कुछ गया क्या, दूसरे लोग क्यों खामोश बैठे हुए थे, ये सब मुद्दे जो है ये इसलिए सखोल चौकसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब पत्र हम आपके पास देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कमिश्नर यहाँ पर आए हुए है। कोनी ही असूया महापौर आणि नगर सचिवाला दोनों की सिग्नेचर रहती है उसके ऊपर। कॉर्पोरेटर ने तो आपको दे दिया है कि ये ठराव लाके कि साहब मेरे घर के सामने है तो आपको तो ये रोड बनाने का है करके, ठीक है, उसको आपने जनरल बॉडी के अंदर लेना चाहिए जो हर महीने होती है। एनवेडी का प्रस्ताव यह है कि साहब बारिश टूट पड़ी है, पानी की पाइपलाइन फूट गई है, पूरे महल्ले के अंदर पानी हो गया है, और एनवेडी का प्रस्ताव पास करके 50,00,000 रुपए का है तो विदाउट टेंडर कॉल करके दे देते हैं। गाड़ी दुकान हॉल कम्युनिटी हॉल देने का आरोग्य अधिकारी टेंडर 25 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 1-1 करोड़ के, 1.5 करोड़ के, तो कितने ऐसे हैं। और उसमें टेंडर क्या नाम दिया गया है, उसके अंदर यही दिया गया है एडिशनल वर्क करके, ऐसा कौन
सा एडिशनल वर्क था जो जनरल बॉडी के अंदर ना लाते हुए, तो सबसे पहले तो चौकसी यही बात की करनी चाहिए, और इसमें कोई भी रहने दीजिए, ये स्पष्ट है, चाहे वो मेरा कॉर्पोरेटर रहने दीजिएगा, लेकिन कॉर्पोरेटर्स अपना डिफेंस यही करेंगे, कॉर्पोरेटर्स अपना डिफेंस यही करेंगे कि मैंने तो लेटर दिया था। सर प्रश्न है कि ये सगळे 220 चे ठराव आहे, त्याचे एकूण रक्कम किती होऊ शकते, कितीचा घोटाळा असेल असं तुम्हाला वाटतं, त्याचं काही काढले का टेंटेटिव्ह? नाही के प्रस्ताव अगर देखेंगे ना, अगर 25 करोड़ 15 करोड़ मेरे हिसाब से तो हर तो एक 100 करोड़ रुपये तो हर चौकशी कधी पर्यंत व्हावी, त्यावर अहवाल कधी करावा किंवा काय करावं, काही टाइम बॉन्ड वगैरे दिलाय का? पत्र दिलं होतं डिव्हिजन कमिशनरांना, त्यांनी ते पत्र यूडी डिपार्टमेंटला प्रामाणिकपणे पाठवलं की हे गंभीर विषय आहे आणि याच्या बाबतीत चौकशी करायला पाहिजे, राज्य आयुक्तांनी दिलं। 8 महिने मी वाट थांबली, 8 महिने की काहीतरी हालचाली होते, मी यूडी मध्ये चेक केलं, तर त्यावेळी बहुतेक असं होऊ शकतं की त्यांची सरकार होती, तर आपल्या महापौराला कशाला आपल्याला हे करायचं आहे म्हणून ते गप्प बसले होते। मग मी पुन्हा रिमाइंडर केले 8 महिन्याच्या नंतर की याच्या बाबतीत काय झालेलं आहे, मी तुम्हाला सगळे पुरावे दिलेले आहे, या पुराव्यामध्ये तुम्ही काय हे करत आहे त्याच्या बाबतीत करा ना, त्याच्या नंतर म्हणजे एका वर्षानंतर यूडी डिपार्टमेंटला जाग आली की हो एक गंभीर प्रश्न आहे। मग मला काय आहे की जेव्हा अकोलाचा ऑर्डर माझ्या हाती लागला, मी म्हटलं की आता तुम्ही नाही केलं तर मी कोर्टात जाणार, मी स्पष्टपणे त्यांना सांगितलं की तुम्ही नाही केलं तर मी कोर्टात जाणार, माझ्याकडे सगळे पुरावे आहे। म्हणून त्याने त्यांनी फक्त हे लिहिलेले आहे, सदर प्रकरणी आपला तातडीने शासनास सादर करावा ही विनंती, हे पक्ष अधिकारी अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट नगर विकास विभाग आणि त्यांनी एक परत मला ही दिलेली। आता तातडीचं काय असू शकतं की विद्यमान सरकार कुणाची असेल तर 5 वर्षी तातडीने वो 2017 से उस वक्त जो है वो अभी इनसे शादी हुई है तो उनके भी महापौर थे, अभी जिनके साथ लग्न हुआ है ना इनका एकनाथ शिंदे साहब का बीजेपी का, तो बीजेपी के महापौर भी थे। और मैंने इस वजह से लास्ट पीरियड का लिया हूँ क्योंकि जब महापौर जाने वाला रहता है तो उसका ये रहता है कि कहाँ कहाँ से कैसा बटोर लूँ करके, और उसको लगता है कि कोई नहीं बोलेगा करके, और दुर्दैव यही है कि इसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। अतः मी हे जो महा अपने डॉक्टर कराड़ साहब है, हर दूसरे दिन को आके महानगर पालिका के अंदर आके बैठ जा रहे हैं, वो दूसरे चंद्रकांत खैरे हो गए हैं, महानगर पालिका के अलावा उनको कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है। तो अब उन्होंने अपने तरफ से पत्र लिखना कि माझ्या पार्टीचा कार्यकाळा तसा घोळ झाला असेल तर त्याची ही चौकशी करा, म्हणजे असं बोलण्याचा अर्थ हे नाही आहे की फक्त या काळामध्ये हे झालेलं आहे, उसके पहिले की जितने भी महापौर है, अगर नंदू घोड़े को लगता है कि यार ये तो मैंने भी किया, मेरे पहले वाले ने भी किया है करके, अब उसने गवर्नमेंट को लिखना कि भाई इन्होंने भी बापू ने भी ऐसी किया है, बापू ने लिखना कि मेरे पहले वाले ने भी ऐसी किया है करके, तो सब सब एक साथ चाहे जेल में सब एक साथ बैठेंगे तो अच्छा भी लगेगा सबको, टाइम पास भी होगा सबका। ठराव करण्यात आले ऐनवेळीच्या ठराव घेऊन,
आपल्या मर्जीतले लोकांना कम्युनिटी सेंटर जे कोणाला द्यायचे होतं ते देण्यात आलेले आहे. जे छोटे छोटे काम होते ते छोटे छोटे काम जे आहे ते ॲडिशनल वर्क म्हणून ते आता ते ॲडिशनल वर्क खरोखर झालेले आहे का नाही झालेलं आहे का ते मी आज सांगू शकत नाही. आता 25 कोटीचा टेंडर रोडचा भाजपच्या एका हे कॉर्पोरेटरने दिलं होतं ठराव ते ऐनवेळीच्या ठरावामध्ये आणण्यात आला. मग त्याच्या नंतर टेंडर काढलं त्याने म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की टेंडर कोणाला द्यायचे आहे 25 कोटीचा आपल्याला महानगरपालिकेमध्ये चर्चा झाली असती की साहेब या एरियामध्ये 25 कोटी रुपयाचे आपल्याला प्रस्ताव द्यायचे आहे. दुसरे कॉर्पोरेटर्स त्याचा विरोध केला असता की आमच्या एरियामध्ये पण 5 कोटीचे 2 कोटीचे आम्हाला पण रस्ते पाहिजे. अशा का झालेला आहे की हे जे नियम स्पष्टपणे सांगतो की ऐन वेळीचे प्रस्ताव कोण कोण से ले सकते है करके ये महानगर पालिका के नगर सचिव या महापौर का अधिकार नहीं है. ये नियम के अंदर इस नियम के अंदर है तो स्पष्ट है कि कौन कौन से ठराव इसके अंदर लिए जा सकते हैं. दूसरा विषय असा पाणी पुरवठा योजना आहे आपण हुशार आहे साहेब दुसरं सगळ्यांना परत ते प्रश्न हे होऊ शकतं ना की आपल्याला जास्त समज ठराव घ्यायचे पाणी कंपनी उशीर करते लेट करते कंपनी काम होऊ शकणार नाही वाटत होतं स्वतःही सांगितलं की कंपनी उशीर करते तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतला याचा नाही हे खरी गोष्ट त्या स्पीडने काम व्हायला पाहिजे ते होऊ राहिला नाही आणि त्याचे अनेक कारणे म्हणजे मला तर एक स्पष्ट सांगायचे आहे की आपल्याला एक हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमध्ये एक ऑफिसर होतं ते सुरुवातीपासून तो ऑफिसर निका हे औरंगाबाद पाणी पाईपलाईनचा अजय सिंग ते हाताळत होतं. आता त्याला प्रमोशन दिले आणि त्याला ट्रान्सफर करून टाकले. आता मला हे सांगायचे आहे की एक शहराचा पाणीचा आपण पूर्ण होईपर्यंत त्या ऑफिसरला आपण का ठेवत नाही कोणीही असू द्या की बाबा तुमच्या हातात आम्ही दिलेले आहे. आणि दुसरं हे आहे की ये सिर्फ मैं पहले से भी बोल रहा हूँ की कितना भी कर ले ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं. एक तरफ अतुल साहब बोलता है कि मैंने लाया. अरे भाई तुमने लाया हमारी सरकार है तुमने अपने जेब से नहीं लेके आए हुए थे. लोग पूछ रहे हैं उनको पानी कब तक मिलने वाला है अब तुम्हारी मीटिंगों से अगर पानी अगर हो रहा होगा उसके अंदर तुमने ठेका देते हुए सब क्या करे हुए है क्या नहीं करे हुए है नियमप्रमाणे जेव्हा बॉडी नसतो तर ऍडमिनिस्ट्रेटरला ते पॉवर्स असतो हे नियमाप्रमाणे. अब इसके अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा अगर इलीगैलिटी होती है इस बुक से हटके अगर कहीं जाता है तो वो उसको हम रेस कर सकते हैं इसके अंदर. लेकिन अगर बॉडी ही नहीं है और तुम बोलेंगे कि नहीं आयुक्त ने है तो कोई ठराव लेने ही नहीं कोई काम करने ही नहीं है तो मेरे ऐसा अगर ऐसी कुछ ठराव अगर माता प्रश्न ऐसा है माता प्रश्न भी विचार बड़े समझना सीखा कि बॉडी असताना असे ऐनवेळचे ठराव देते जे काहीतरी गडबड आहे. बॉडी डिझॉल्व झाल्यानंतर अलीकडच्या 2-2.5 वर्षांमध्ये जे होते कमिशनर त्यांनी काही असे निर्णय घेतलेत का जे गडबडीचे आहेत ऐन वेळ सारखे कॉपीज काढू की मागच्या वेळेस किती किती काय काय ठराव पास केले होते. महापालिकेचा असा एक विषय पंतप्रधान आवास योजना त्याचे सुरू आहे कंत्राटदाराची मुदत संपलेली आहे असा आरोप पडतोय. सिक्युरिटी डिपॉझिट भरलेली नाही आहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य हूँ. अगले महीने मेरे इसरार के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके जनवरी में अर्बन डेवलपमेंट की पूरी कमेटी जो है वो औरंगाबाद को विजिट करने वाली है और ये मुद्दा भी हमने उठाया है कि अगर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना गाजा बाजा करके और इतनी मेहनत करने के बाद में
ये तो सिर्फ दूल्हा बनते घूम रहे हैं, मुझे कोई वो नहीं है। मैं पहले से भी बोला था उसके अंदर, वो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है तो भगवत कराड़ के नाम पे दे डालो, क्योंकि वो काम इतना सा करते हैं लेकिन बहू इतना बनाते हैं कि मैंने लाया मैंने लाया, कि पूरा हर चीज़ आपने लेके आए हुए थे, लेकिन काम जो है वो काम करवा के दिखाइएगा भाई। हर चीज़ हो गई है, उसके बाद है तो कोई एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा रही है, वो लैंड के इश्यू चल रहे। हमने बोला कि आपने 4 लैंड्स दिए हुए हैं, कम से कम गरीबों को ये विश्वास तो दिलाओ कि भैया हमारा घर बनने वाला है करके। एक लैंड तो क्लियर होगा, एक लैंड के ऊपर कम से कम काम तो करो। और मैंने खुद ने बोला कि मतलब उसके उद्घाटन के लिए हम खुद चाहेंगे कि पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को हमने यहाँ पे बुलाना चाहिए करके। अब बेसिकली इसके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो आप लोकल लेवल के ऊपर बैठ के है तो डिविजनल कमिश्नर हो गए, कलेक्टर हो गए, म्यूनसिपल कमिश्नर हो गए हैं, यहाँ पे बैठ के है तो अगर आप इसको ये करेंगे, इसमें कुछ ठेकेदार के भी इश्यूज आ रहे हैं, बड़े नेताओं के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ गए हैं। इस वजह से अब ये जो एक पूरी मेहनत करके यहाँ तक जो लेके आया गया है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर रुकावट। अब एक चीज़ क्लियर है, एक मरतबा स्कीम ख़त्म हो गई तो उसकी फंडिंग रुक जाएगी और ये हाथ ऊपर कर देंगे कि केंद्र सरकार ने तो ये कर दिया है करके उसकी फंडिंग बंद कर दी है। घोड़ आए ना यार, घोड़ तुम्हारा किसका है? 100% 100% ये मेरा क्या है, ठीक है ना, 7,000 की कैपेसिटी है, तुमने किसी को दे डाले है करके। कम से कम एक लैंड जो तुमने 4-5 लैंड जो दिए हुए है वो 7,000 के तो कम से कम उससे शुरुआत करवाने लगाओ, लोगों को विश्वास तो दिलवाओ कि भैया ये 7,000, 700, 200, 500 घर की हम शुरुआत तो कर रहे हैं। मुझे क्या है कि जो पर्यंत तुम्हें अच्छा सोबत बसनार नहीं, जो सोबत मतलब तुम्हें लोकल लेवल से कमेटी करा ना, मतलब इतनी बड़ी स्कीम है, इतनी बड़ी स्कीम की 50,000 गरीबों को घर मिलने वाला है। मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पे है तो आप है तो डिप्टी सीएम के पास जाकर तस्वीरें खिंचा के वहाँ पे, आप यहाँ पे अगर चाहें तो डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, ये तीनों के साथ अगर बैठे, ठेकेदार को बुलाए कि तेरा क्या इश्यू है बता करके, उसमें उसमें हमको भी मत बुलाओ, क्योंकि अब नेताजी के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, उसमें हर नेता चाह रहा है कि भैया इसके अंदर ये हो जाए, इसके अंदर वो हो जाए, तो वो चक्कर के अंदर है तो कि स्कीम खत्म ना हो जाए करके। उसमें बाबरी मस्जिद पड़ने गई होती, दुसरीकडे त्याचा पडल्याच्या उत्साहामध्ये कोणी आर्थिक करतोय, कोणी काही कार्यक्रम घेतोय, त्यांची काय झाली आहे? जो भी है ये पिछले कई सालों से ये चलता हुआ आ रहा है, बाबरी मस्जिद की शहादत जो है, यकीनन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो 4-5 घटनाएं बड़ी हुई है जिससे देश कमज़ोर हुआ है उसमें बाबरी मस्जिद की एक शहादत है। यकीनन अगर वो मस्जिद शहीद की गई है तो मुसलमानों को इस बात का तो अफसोस होगा ही, और जिन्होंने उसे शहीद की है वो जश्न हर साल मनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर अगर कानून है, अगर संविधान है तो वो हिसाब से चलेगा, वरना नारों के हिसाब से और सत्ता के हिसाब से चलने लगा तो फिर मुझे अच्छी तरह शिवसेना सोबत किया जाए, तुमच्यासोबत येईल अशी तुम्हाला आशा अपेक्षा होती, तुमची आयडिओलॉजी जुळते असं तुमचं म्हणणं होतं वर्षभर आधी, आता ते तिकडे गेलं। मेरा आज भी ये मत है कि अलायन्स ऑफ नॅचरल चॉईस जे आहे ते मुस्लिम्स आणि दलित, कारण काय आहे की सर्वात जास्त कुणाचा उपयोग राजनीतीमध्ये करण्यात आलेला आहे सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी, तर ते एक मुस्लिम समाजाचा आणि एक दलित समाजाचा, म्हणजे एक नॅचरल एक बॉन्डिंग होती की जेव्हा आम्ही बाळासाहेबसोबत गेलो होतो तर दलित समाजामध्ये एक उत्साह होता, मुस्लिम समाजामध्ये एक उत्साह होता, ते काही कारणाने पुढे राहिलं नाही, पण असं नाही आहे की सगळं संपलेला होता। आपल्याला एक लार्जर पिक्चर आपण देखे होते की समाज के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टंट, कि समाज को क्या चाहिए करके। अब अगर वो किसी के साथ जाते हैं तो हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो किसके साथ जाए। बाला साहब ने विचार केला नाही, त्यांची पार्टी आहे, मी त्यांच्या बाबतीत बोलू शकत नाही ना भाई, त्यांची डिफरंट पार्टी आहे, त्यांना असं वाटलं असेल की नाही एक इलेक्शन आपण केलेलं आहे आता आपण दुसरं इलेक्शन यांच्या सोबत जाऊ, तर मी त्यांना, पण एक लार्जर पिक्चर म्हणून आम्हाला असं वाटत होतं की दलित आणि मुस्लिम एकत्र आले तर आम्हाला दुसरं कुणाचीही आवश्यकता नाही,
आम्ही सत्तेमध्ये आलो कमीत कमी नाही तर आम्ही तर बाळासाहेबांना हे सांगितलं होतं की तुम्ही किंग असता किंवा किंग मेकर असता महाराष्ट्रामध्ये पण ते तसं झालं नाही दुर्दैवाने म्हणजे